गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल तो सीन कुछ ऐसा था, आज आदित भाई का थोड़ा डेंटिस्ट को दिखाना था आदित को, और बाकी स्मिथ वगैरह भी अपने साथ में था। तो अभी चलते हैं, इसको नंबर वगैरह हमने लगवा दिया है, बस वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर जब बुलाता है अंदर तो उसका थोड़ा ट्रीटमेंट होना है, वो करवाते हैं। और अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में कार में बैठ के। और बाकी सब तो ठीक है ही, पहले इनका वो हो जाए, मेरे हिसाब से आधा घंटा लगेगा इसमें लगभग। उसके बाद में आपसे मिलते हैं, जो भी करते हैं आपके साथ में शेयर करेंगे और ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी यार आदत को उन्होंने इंजेक्शन लगाया, एनेस्थीसिया दिया हुआ है अभी, तो उन्होंने 10 मिनट वेट करने के लिए बोला है, इसके बाद आगे ट्रीटमेंट चालू होगा। लेकिन एनेस्थीसिया अगर किसी के दांत में लगता है या दाढ़ में लगता है तो बहुत पेन होता है, जैसा कि आदत की आंखों से आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल एकदम बेचैनी हो जाती है, बहुत परेशान होता है बंदा। तो अभी आगे देखते हैं, अभी आगे जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसका मैं आपको दिखाऊंगा, और आगे डॉक्टर से पूछूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सिनेरियो होता है, बाकी आगे का आपके साथ में शेयर करूंगा। खड़े हो जाओ उन्हीं के पास, एक सेकंड की बात है। तो बस लग गया, खत्म हो गया, बस प्लीज आराम से। पिछली बार भी हुआ था, मसूड़ों में लगता ना, नसों में, बीच में। हो गया बस। अभी आदित्य के दांतों का ट्रीटमेंट वगैरह हो गया था, बहुत टाइम लगा और बहुत पेनफुल होता है यार ये, तो मैं तो देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, कभी मेरे ना हो मैं तो यही कहूँगा यार। और बाकी अभी यहाँ पर कुछ मोमोज वगैरह हम लोग खाने के लिए रुके हुए थे, देखते हैं कहाँ जाते हैं, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली घर ही जाएंगे अब यहाँ से, और क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। अभी यार बस जॉर्डन भाई को कॉल आया हुआ था मेरे पास में, तो उनको पापा का कुछ शूट वगैरह करना था, उनका इंटरव्यू वगैरह उनको लेना था, क्योंकि वो वहाँ पर जल्दीबाजी में नहीं ले पाए थे, क्योंकि ट्रेन में इतना टाइम मिला नहीं था लेने के लिए। तो वो घर पर आ रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह लेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने ब्लॉग में, और बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं आपके साथ में। नॉर्मल बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रेलवे में शुरू से लेके आज तक? बेटा मैं, मेरी नियुक्ति जो है 28/6/1984 को अजय बाड़े जिले पे कमर्शियल क्लर्क में जॉइनिंग पीलीभीत स्टेशन पे हुई, और मैंने बड़ी ईमानदारी से उस कार्य का निष्पादन किया, और उस दौरान मुझे अवार्ड भी रोटरी क्लब पीलीभीत से प्राप्त हुआ, और ये कार्यकाल मेरा जो है जून 90 तक पीलीभीत में, उसके बाद जून 90 से और 92 जून 92 तक
बर्ली सिटी में बड़े लिपिक के रूप में रहा। इसके बाद मैंने गार्ड के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैं इधर पदोन्नति में गार्ड में चयनित हो गया। उसके बाद अक्टूबर 92 से सेवा मेरी जो है ये जो है 31/8/2022 तक एज ए अंतिम जो है गार्ड पब्लिक टाइम मैनेजर मेल स्पेशल में सेवानिवृत्त हुआ। इस दौरान मैंने बड़ी ईमानदारी और कठिन परिश्रम के साथ सेवा किया और जितनी भी महत्वपूर्ण गाड़ियां जो संचालित बरेली सिटी से हुआ करती थीं, जैसे मतलब जीएम स्पेशल, सीआरएस स्पेशल, सीआरपी स्पेशल, रेल मंत्री की जितनी भी गाड़ियां थीं वो मैंने अपनी ड्यूटी के लिए कुशल संचालन किया उनका। और इस दौरान सभी सुपरवाइज़र और मेरे से जो भी कनिष्ठ एवं वरिष्ठ साथियों का मुझे बड़ी कुशलता के साथ सहयोग मिला और मैंने अपनी कार सेवा को बड़े ही कुशल से निष्पादन किया। इस बीच मेरे को 5-6 अवार्ड जो है लगभग 5 अवार्ड मुझे गोरखपुर से COM अवार्ड प्राप्त हुए और इस बीच दो तीन बार करीब GM अवार्ड मुझे अच्छे कार के लिए मिला। अपने कार्य को मतलब छोड़ते हुए कैसा लग रहा था? चूँकि ये कि ये प्रक्रिया के तहत होता है, मतलब आना और सेवानिवृत्त होना एक समय के अनुकूल सभी का होता है और बड़ा ही सेवा को छोड़ने में खैर हर एक को ये थोड़े बहुत लगता है, लेकिन चूँकि वो एक उस तरह की व्यवस्था की गई है कि 60 वर्ष की पूर्व उम्र होने पर और इससे सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है और स्वास्थ्य और उसकी दृष्टि से ऐसी कोई मुझे परेशानी नहीं थी, लेकिन चूँकि उस व्यवस्था के तहत मुझे सेवानिवृत्त होना पड़ा। इस दौरान मुझे अपना, अपने साथियों, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ सभी का मुझे सहयोग और प्यार मिला और बड़ी ईमानदारी से मैंने कर्तव्यनिष्ठा से उसका निष्पादन किया और इसमें सभी का मेरे जो वरिष्ठ और मेरे कनिष्ठ एवं जो भी मेरे सेवानिवृत्त समारोह में मेरे रिलेटिव संबंधी साथी और मैं जितने भी उपस्थित होकर मेरे समारोह को सकुशल बढ़िया से निष्पादित किया उसका मैं सभी का आभारी हूँ और इस व्यवस्था को चलाने के लिए भी मैंने वहाँ पे कहा था कि जितने भी मेरे साथी हैं जो इस कार्य के दौरान मेरे से सीखने की, चूँकि ये कार्य मैं ही निष्पादित करता था, उस व्यवस्था को जो रिटायरमेंट पार्टी हुआ करती थी उसका मेरे ही पास था, चूँकि इसी व्यवस्था में मैंने अपने जूनियर साथी को सौंपा था तो मैंने उनसे कहा कि यही मैं आशा करता हूँ कि ये इस तरह की व्यवस्था आगे आगे भी चलती रहे और इस तरह का जो है आयोजन अच्छी तरह से निष्पादित होता है। आखिरी समय में सबसे मिलकर आपको कैसा लगा और सबने इतना सम्मान किया आपका, तो आपको कैसा लगा आपके बेटे ने आपको इतना अच्छा मतलब गिफ्ट सरप्राइज किया, आपका लास्ट वाली जो के नाम है ट्रेन का डब्बा है उसको सजाया, सब ये सब कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा है, मतलब साथियों का काड़ूगाम से लेके बर्ली सिटी बर्ली जंक्शन तक आप जितना भी मतलब गाड़ी के दौरान जो भी फोटोग्राफी हुआ या वीडियोग्राफी हुई वो भी बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण हुई। जी अंकल, इसमें ये कहना है, देखिए काठगोदाम रनिंग रूम से लेकर मेरा बरेली जंक्शन तक प्रत्येक स्टेशन पर जो स्टाफ द्वारा मेरा सम्मान किया मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और ये मुझे जो प्यार दिया मैं उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ और सारी व्यवस्था भी बहुत बढ़िया से
काठगोदाम से लेके बरेली जंक्शन तक जो मेरे वर्ष साथियों ने या कनिष्ठ साथियों ने किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सकुशल बढ़िया से बनाया और मैं मुझे भी इस कार्यक्रम को देख करके मैं भी प्रसन्न हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। ग्रिल पे रख लो। हाँ, तो जॉर्डन भाई को कुछ सिनेमैटिक्स लेने थे जो वहाँ पर वीडियो शूट हुए रिटायरमेंट की, उसके लिए डालने, इंटरव्यू भी उसी में डालेंगे। तो पीछे गमला ले रहा था, वेदर तो आप देख ही रहे हो क्या मस्त हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही है। लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आपके चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं तो फिर आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर उस टाइम पर आपको 3 स्टेप होते हैं। एक फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर YouTube पार्टनर प्रोग्राम आपको एक्सेप्ट करता है। सेकेंड स्टेप में आपका वहाँ पर एडसेंस अकाउंट लिंक करना होता है और थर्ड स्टेप में चैनल को रिव्यू किया जाता है। उसके बाद आपके पास में मेल आ जाता है कि हाँ आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। लेकिन मेरे साथ में ये हुआ कि फर्स्ट स्टेप तो मेरा ऑलरेडी डन हो गया था, वो तो सेकेंड स्टेप में मेरा एरर आ रहा था जहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक करना था। जैसे कि मैंने पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट बना रखा था जिस वजह से मेरा एडसेंस अकाउंट लिंक नहीं हो रहा था। मैंने 3 बार ट्राई किया, 3 बार एरर आ गया। फिर मैंने पापा की आईडी से, जीमेल की आईडी से नया एडसेंस अकाउंट बनाया, फिर भी नहीं हुआ। फिर थर्ड टाइम मैंने मम्मी की आईडी से बनाया, तब जाकर वो एक्सेप्ट हुआ है और अब वहाँ पर रिव्यू का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया था तो अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की कि अगर आप लिंक कर रहे हैं तो आपका कोई भी पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए। मतलब YouTube आपको 2 गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने की परमिशन नहीं देता, सिंगल गूगल एडसेंस अकाउंट होना चाहिए आपका। इस वजह से बार बार एरर आ रहा था। तो यही मैं आपसे बोलूँगा कि आप भी 2 गूगल एडसेंस अकाउंट ना बनाएं, बस सिंगल एडसेंस अकाउंट बनाएं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एडसेंस अकाउंट सिर्फ अपनी ही आईडी से बना सकते हैं। आप घर में मेंबर फैमिली मेंबर हैं, अदर फैमिली मेंबर हैं, उनमें किसी भी आईडी से आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। और वहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जब आप अपनी मम्मी की आईडी से या अपने फादर की आईडी से बना रहे हैं गूगल एडसेंस अकाउंट तो वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर जहाँ ऑप्शन में आता है वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर मत डालिएगा। उसकी वजह से भी चैनल मोनेटाइज नहीं होता, उसमें भी एरर आ जाता है। क्योंकि मैंने कर चुका हूँ ऐसा, मैंने 3-4 बार अप्लाई किया था इस चीज़ के लिए। तो मैं अपना बार बार अगर मैं पापा की आईडी से भी अकाउंट बना रहा था और नंबर अपना डाल दे रहा था वहाँ पर तो तब भी यूट्यूब उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मेरे पास 2-3 बार मेल आए कि आपका चैनल एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये वो। तो फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर जब थर्ड टाइम ट्राई किया मम्मी की आईडी से बनाकर तो मेरा हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया है। तो फाइनली चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है। तो बस आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग भी ये गलती मत कीजिएगा जो मैंने की है। और बाकी सब तो ठीक है, और मिलते हैं। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके 10-15 दिन बाद आपके पास में गूगल एडसेंस का पिन आता है। वो पिन ऐसे आएगा क्योंकि जब गूगल एडसेंस अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर आप अपना पहले एड्रेस वगैरह भी डालेंगे जो आपके आधार कार्ड पे होगा। जैसे मैंने अपनी मम्मी का आधार कार्ड से लिंक किया था तो वहाँ पर मम्मी का एड्रेस वगैरह और मेरा एड्रेस सेम ही है घर का, तो वो वाला एड्रेस पर गूगल एडसेंस का पिन आएगा। फिर उसके बाद में आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल सकते हैं और वहाँ से अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही मेरे को बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी सब तो ठीक है ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।